यस, ये एक क्वेश्चन नंबर 22 है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 सिंध बोर्ड है। एक ने कहा था सर आप बोर्ड तो बताया करें कौन सा है कमेंट्स में, तो मैंने इसको फिर मेंशन कर दिया कौन सा बोर्ड है हम लोगों का, सिंध बोर्ड कहलाता है, इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट बोर्ड सिंध बोर्ड। यस पुटिंग इज, तो फैक्टराइजेशन तो हमने कर ली थी ना सबके, इक्वेशन वन इंप्लाइज डेट, उसके बाद यहाँ पुटिंग करने। देखिए इसके फैक्टर क्या बनाए थे आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके फैक्टर भी हम बना चुके थे ये, और इस एक्सप्रेशन के फैक्टर भी हम बना चुके थे, तो तीनों के हमने फैक्टर बना लिए थे। अब इसको हमने जो है रफ कर दिया, इसको आप देख सकते हैं पहले इससे प्रीवियस वीडियो में। तो अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर क्या बनाए, ये बने पहले एक्स माइनस वन, और साथ में कौन है 5x + 20 माइनस, उसके बाद इसके फैक्टर क्या बने वो आपके सामने हो चुके, एक्स माइनस वन और फिर क्या है x + 20 और फिर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे इसके फैक्टर नीचे लिखे हुए हैं क्या, एक्स माइनस वन और साथ में कौन है x + 3, हाँ कॉमन आ जाएगा। लेकिन नहीं, पहले उसको यहाँ फेंकना पड़ेगा ना लेफ्ट, क्या ख्याल है, पहले उसको कहाँ फेंकेंगे, ये प्लस में रूट वाली रकम, इसको अब यहाँ फेंक देंगे तो लेफ्ट में आने के बाद ये रूट वाली रकम किस में हो जाएगी माइनस, एक स्टेप और ढूंढना पड़ेगा मजबूरी है। एक दफा फिर लिखो भाई से क्या, हालांकि तोड़ के लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर देंगे तो डायरेक्ट करते, उसमें एक रूल याद रखना है कि अगर अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी लिखा हुआ है, अगर दो रकम रूट में मल्टीप्लाई हुई तो उनको अलग अलग रूट में तोड़ के लिखा जा सकता है, रूट ए इंटू रूट बी, याद है ना आपको, ये रूट की प्रॉपर्टीज़ है। अब यहाँ दो ब्रैकेटें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको अगर हम एक लम्हे के लिए ए मान लें ये ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट को क्या मान लें बी, इनको तोड़ के लिखा जा सकता है ये रूट में, अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, कैसे देखें, ये हो जाएगा अंडर रूट, हाँ बोलिए, एक्स माइनस वन और इंटू यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट 5x + 20, उसके बाद यहाँ क्या होगा अंडर रूट, इसको भी ब्रेक करें एक्स माइनस वन इंटू, फिर क्या हो जाएगा x + 8। अच्छा यहाँ वो काम एक साथ कर रहे थे, इसको एक तो यहाँ लेफ्ट पे भेज दीजिए तो किस में हो जाएगा ये माइनस में, पहली चीज़ तो ये है, और फिर दूसरा प्रॉपर्टी भी लगा रहे हैं, तो अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, चूँकि लेफ्ट से आपने इसको राइट पे शिफ्ट कर दिया तो टोकरी हो गई है खाली, वहाँ जीरो हो जाएगा, इज दैट क्लियर। अब देखें इसमें क्या कॉमन है, यस अगर आप गौर करें तो अंडर रूट एक्स माइनस वन वाला फैक्टर जो है आपको तीनों टर्म में नजर आ रहा होगा, इसमें भी और इसमें भी, इन तीनों में रूट एक्स माइनस वन कॉमन निकाल लीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस वन जब कॉमन निकालेंगे तो पहले से में से कॉमन जाएगा क्या बचेगा, 5x + 20 बचेगा, इसमें से रूट एक्स माइनस वन कॉमन जाएगा तो रूट एक्स प्लस एट बचेगा, सॉरी अभी ब्रैकेट नहीं लगेगी, उसके बाद फिर माइनस, इसमें से रूट एक्स माइनस वन कॉमन जाएगा तो फिर अंडर रूट एक्स प्लस थ्री बचेगा, और आखिर में कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दें इज इक्वल टू जीरो, छोटी ब्रैकेट लगाएं कर्ली लगाएं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें नो मैटर्स, नहीं समझे बात, नो मैटर्स, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं बाद में स्मॉल ही लगाते हैं। अच्छा आप देखें, आपको बताया था याद करें, ये वेरिएबल वाला हिस्सा है, इस ब्रैकेट में भी वेरिएबल एक्स मौजूद है, तो जो आपने कॉमन लिया इसको भी क्या माने ब्रैकेट माने, तो एक ब्रैकेट तो ये हो गई और दूसरी ब्रैकेट ये हो गई, जब दो ब्रैकेटें ज़रब की हालत में जीरो के बराबर हो तो क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग जीरो के बराबर लेते हैं, तो यहाँ पे रूट एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर लेंगे और इस पूरी ब्रैकेट को भी स्प्लिट करके जीरो के बराबर लेंगे, ये वही काम है जो आप करते चले हैं पूरी एक्सरसाइज के अंदर। तो यहाँ पर पहले लिखिए एफ क्या, अंडर रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, स्प्लिट कर दें, और यहाँ पे भी क्या होगा वही होगा, इफ अंडर रूट 5x + 20 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस एट माइनस अंडर रूट एक्स प्लस, दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर ले लेते हैं। अब यहाँ से एक्स मालूम करने के लिए स्क्वायरिंग करने के दो तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करो, इधर भी स्क्वायर लगा दें और इधर भी स्क्वायर लगा दें, स्क्वायर से रूट कट जाएगा यहाँ पे तो क्या बचेगा एक्स माइनस वन, और जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है आपको पता है, माइनस वन को उधर शिफ्ट कर दें तो एक्स की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी,
सही, यहाँ पे वेरिएबल एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब वही काम आपने दूसरी तरफ करना है, लेकिन यहाँ ज़रा लेंदी वर्क होगा, याद रहे लेंदी वर्क क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे तो 3 टर्म्स रूट वाली हैं, फिर उसको भेजो, फिर स्क्वायरिंग करो, फिर एक्स निकालो, फिर अगेन स्क्वायरिंग करो, तो वो एक लेंदी प्रोसेस है, उसको हम मिटा के दोबारा करेंगे। ठीक है, ये जो सोल्यूशन है इसको हम दोबारा से कर रहे हैं यहाँ से, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 22 आने भी शुरू हो गए, देखें अब इसको सॉल्व करें। नाउ सॉल्विंग, यस 5x प्लस 20, उसके बाद क्या है माइनस का अंडर रूट x प्लस 8। अब इसमें एक काम करें, ये जो रूट वाली रकम माइनस में ना उसको उधर शिफ्ट कर दे दूसरी तरफ, तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, याद रहे माइनस का रूट प्लस में हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो इजीली हो जाएगा, वरना शुरू में स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स जो वेरिएबल है रूट में फंसा हुआ है, स्क्वायरिंग से उसको आज़ाद कराना पड़ेगा रूट से। स्क्वायरिंग नहीं, नहीं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, या बोथ साइड्स लिख दें, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट और यहाँ पे फिर वो वैल्यू तो लिखी नहीं, 5x प्लस 20 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या अंडर रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्या करेंगे अब यहाँ पे, ए माइनस बी के उसका का फार्मूला लगाएंगे, इसको आप ए मान लें और इसे बी मान लें, तो ए माइनस बी के उसका का फार्मूला पता है ना सबको क्या होता है, याद करें ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर दें, Thank you.
देखें अभी क्या होगा, यहाँ पर आपने फार्मूला अप्लाई करना है तो ए की जगह तो ये वैल्यू आ जाएगी, बी की जगह ये फार्मूला आपके सामने मौजूद, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी के मरहून मिन्नत ये फार्मूला दुनिया ने देखा। ए का स्क्वायर 5x रूट 5x प्लस 20, उसका स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, फिर ए की रकम आएगी बी की रकम, याद है छोटा छोटा लिखिएगा ताकि हो सके, वरना फिर ये आपको दो लाइनों में लिखना पड़ेगा 5x प्लस 22 ए और बी की जगह अंडर रूट एक्स प्लस 8, अंडर रूट एक्स प्लस 8 और प्लस बी का स्क्वायर, किसका बी यानी इस रूट एक्स प्लस 8 का स्क्वायर, तो देखिए क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा वो तो सिंपल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स प्लस 3 ही रह जाएगा। नहीं अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा ऑफ कोर्स, यहाँ बचेगा 5x प्लस 20 माइनस का इस साथ में कौन है 2 लिखने के बाद, अब देखिए यहाँ पे रूट की फिर प्रॉपर्टी लग रही है क्या, ये दो रूट वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको एक ही रूट में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कभी हम जुदा कर देते हैं कभी हम मिला देते हैं, तो ये दो अलग अलग रूट में रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप चाहें तो इनको एक ही रूट में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 20 और उसके बाद क्या होगा एक्स प्लस 8, तो इनको एक ही रूट में मल्टीप्लाई करके लिख दी और प्लस उसके बाद क्या होगा देखें, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड में मौजूद है एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 राइट हैंड साइड पर मौजूद है, याद है ओके, ये आपके सामने सो के आ रहा है। अब देखिए क्या होगा, प्लस का 5x और प्लस का 1x कितने हो जाएंगे, प्लस का 6x, तो इसको लिख लो, ये हो जाएगा प्लस का 6x, उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर भी ऐड हो सकते हैं, कौन कौन से, प्लस का 20 और ये प्लस का 8, 20 और 8 कितने होते हैं बोलिए, प्लस का 28 हो जाएगा और फिर माइनस का 200 वाली रकम को फिलहाल ऐसे ही ढोना पड़ेगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इसके ज़रिए आपका जहन बिल्कुल खुल जाता है जब आप इसको समझ के प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए इसको पिक किया, प्लस का 8 है यहाँ पर, और राइट हैंड साइड पे क्या मौजूद है, राइट हैंड साइड पे मौजूद है एक्स प्लस 3, नहीं अब इन दोनों रकमों को आप सॉल्व करें, राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट साइड पे जो एक्स वाली रकम है और कॉन्स्टेंट नंबर है कौन कौन से, देखो फिर से प्लस का 6x और ये प्लस का x है, बताएं क्या जवाब आएगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, ये प्लस x यहाँ आके किस में हो जाएगा माइनस में, तो 6 में से x गया क्या बचेगा 5x, समझ रहे हैं बात को, तो इस तरह के स्टेप को आप डायरेक्ट करना सीखें, तो देखिए क्या हो जाएगा, उसको मिटा ही देते हैं, तो 6x में से 1x गया, क्वेश्चन नंबर 22 चल रहा है, 5x और इसके अलावा कॉन्स्टेंट है, प्लस का 28 और वहाँ कौन है प्लस का 3 है, प्लस 3 को यहाँ फेंकें, 28 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 25, अच्छा एक काम और करें, ये पूरी रूट वाली जो वैल्यू उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, ये माइनस में दूसरी तरफ जाके किस में हो जाएगी प्लस में, प्लस का 2 अंडर रूट 5x प्लस 20 और साथ में कौन है एक्स प्लस 8, ऐसे ही है ना भाई, डेट क्लियर ओके, देख रहे हैं आप किस तरह हो रहा है 5x प्लस 25 और ये सब, अब ये क्या बात हुई, ये तो x आ गया रूट से बाहर लेकिन ये वाले x तो अभी भी रूट के अंदर फंसे हुए हैं, तो क्या करना पड़ेगा बोलिए, अगेन स्क्वायर, तो अगेन स्क्वायर दोबारा करोगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये 5x प्लस 25 का स्क्वायर और इक्वल यहाँ पे क्या होगा 205x प्लस 20 प्लस और ये क्या आ गया होल्स दो तब स्क्वायरिंग करें ठीक है, अब देखें क्या होगा, आप चाहें तो इस पर फिर ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं लेकिन बड़ी बड़ी रकमें आ जाएंगी, इसके लिए आसान हम क्या करें, इसमें 5 कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें 5, बताइए 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तवज्जो रहे जब आप 5 सामने स्क्वायर नहीं है यहाँ पे अभी क्या नहीं है स्क्वायर नहीं है, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 5x में से 5 कॉमन गया x बचा
25 में से 5 कॉमन लिया तो क्या है 5 5 5 25। लेकिन ये सारा खेल किसके अंदर होगा बताइए, स्क्वायर के अंदर होगा। और फिर ये स्क्वायर दोनों पर आएगा, 5 पे स्क्वायर आएगा तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए 25। और फिर वो स्क्वायर किस पे आ जाएगा, ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा। नहीं समझे बात को, यहाँ दो काम हमने एक साथ कर लिए। इन दोनों में फिर से देखो, यहाँ स्क्वायर था, इन दोनों में 5 कॉमन लिया तो x प्लस 5 बचेगा। लेकिन चूंकि हमने ब्रैकेट में से कॉमन लिया जिसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉमन पे आएगा तो 5 का स्क्वायर 25 बनाएगा, फिर वो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर तो आएगा ही आएगा। यहाँ क्या होगा, राइट हैंड साइड पे ये स्क्वायर 2 पे भी आएगा, रूट पे भी, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट पर आएगा तो रूट कट जाएगा, तो बचेगा 5x प्लस 20 और साथ में कौन है x प्लस 8। याद रहे ये आपके सामने सूरत याद आ गई। अब क्या होगा, अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे किस पे, ए प्लस बी कॉल स्क्वायर का फार्मूला, इसको आप ए मान लें एक्स को और 5 को बी मान लें, तो ए प्लस बी कॉल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई, तो क्या हो जाए डायरेक्ट कर दें क्या, अब देखें यहाँ डायरेक्ट क्या, इतने लेंदी क्वेश्चन को इस तरह किया जाता है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह x है, b की जगह 5 है, तो 2 5 तक क्या हो जाएगा 10x, तो इतना काबिल हमें हो जाना चाहिए, प्लस b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 20। ओके अब बताइए पहली ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें फोर से देखो, इसमें 5 कॉमन है ना, 4 तो पहले से मौजूद है, इन दोनों में से 5 कॉमन निकाल लें, तो 5x में से 5 कॉमन गया x बचा, प्लस 20 में से 5 कॉमन गया तो 4 बचेगा, वाई 4 था 20 होता है। याद रहे कि ये 4 पहले से मौजूद है, इसमें से 5 कॉमन निकालो, उसके आगे कौन है फिर x प्लस 8 अपनी जगह। क्या दोनों तरफ से कोई नंबर कट सकते हैं, और से देखो, ये भी हम जानते हैं, ये लिखा हुआ है 5 और ये लिखा हुआ है 25, तो यस 5 और 25 कट सकते हैं, 5 5 5 और 5 5 25, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया, ये काट दिया, ये रूल है मैथ का, कर सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 5 बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, और राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा 4 और x प्लस 4 और साथ में कौन है x प्लस 8। नहीं अब इनको मल्टीप्लाई करो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इसको हल करके, बहुत ही लेंदी, 5 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5 टेन का 50x प्लस 25, पंजे कितने होते हैं 125, नहीं 25 5 का 125 होता है। यहाँ क्या होगा देखिए, 4 से मल्टीप्लाई करें, पहले 4 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद फिर से कर देना, तो 4x हो जाएगा, फिर प्लस 4 4 था 16, पहले 4 से किया आगे x प्लस 8 वाली ब्रैकेट उसी तरह रही। मेरे साथ साथ कोशिश करें काम करने की, और थोड़ा फास्टली करना पड़ेगा, 5x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 125, और यहाँ फिर दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, तो पहले 4x की बारी है, तो 4x अंदर जाएगा पहले x से, उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4x को x से करेंगे तो 4 मंदा 4x x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर, फिर 4x को 8 से करेंगे तो 4 8 32 एक साथ में। अब 16 की बारी है, इसी तरह 16 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, पहले x से उसके बाद 8 से, तो 16x से मल्टीप्लाई होकर 16x बनाएगा, प्लस फिर 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें, किससे 16 को 8 से 128, देखो यही है नहीं, चेक कर लेना, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आपने। अब इन सब को सिंप्लीफाई करें, तो 5x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 125, यहाँ देखिए क्या होगा, 4x स्क्वायर 32x में 16x जमा करें कितना आता है बोलिए, 6 और 2 8 48 48x प्लस 128, बस ये एंड पे आ गया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, इस टाइम में बन जाएगी। अब इन तीनों को इधर फेंके, तो प्लस का 4x स्क्वायर यहाँ के किस में होगा, माइनस में, तो 5 में से 4 गया बचेगा 1x स्क्वायर, फिर प्लस का 50x है, ये प्लस का 48x यहाँ के माइनस में होगा, तो 50x में से 40x गया 48x, तो प्लस का 2x बचेगा, तो ये 125, प्लस का 128 यहाँ के माइनस में होगा, तो 125 में से 128 गया तो 3 तो बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का, छोटे में से बड़ा, और राइट हैंड साइड साफ हो गई, लिहाजा यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लगाएं फैक्टर,
क्या बनाएंगे यहाँ पे, वन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करके फैक्टर बना लें। तो माइनस थ्री कैसे फैक्टर बनाओगे, जमा करने पर प्लस टू आना चाहिए, क्या होंगे, माइनस का वन होगा और प्लस का एक मिनट, माइनस थ्री है और एड करने पर प्लस टू आ जाएगा, नहीं समझे बात को, तो बीच वाले नंबर को ब्रेक कर लेते हैं दफ़ा तो किया, तो ये आपको बिल्कुल पक्का पक्का याद हो जाना चाहिए। तो अब देखें क्या होगा, वन एक्स स्क्वायर प्लस बीच वाले नंबर को तोड़े प्लस का वन, प्लस का नहीं माइनस का, किसका माइनस का वन, साथ में एक्स लगा देंगे, दूसरा फैक्टर बना प्लस का थ्री, साथ में एक्स लगा देंगे और आखिर में कौन है, माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब पेयर बना के कॉमन ले लें, पहले पेयर में और दूसरे पेयर में क्या हो, तो पहले पेयर में वन एक्स कॉमन है, तो वन एक्स स्क्वायर में से वन एक्स किया तो एक्स बचा, प्लस माइनस माइनस वन एक्स में से वन एक्स पूरा पूरा कॉमन चला गया तो क्या रह जाएगा वन, इन दोनों में फिर प्लस का थ्री कॉमन है तो थ्री एक्स में से थ्री किया तो एक्स बचा, प्लस माइनस माइनस थ्री में से थ्री किया वन बचा इज इक्वल टू जीरो। अब यही ब्रैकेट एक्स माइनस वन दोबारा कॉमन निकल आएगी, तो यहाँ से वन एक्स बचेगा और यहाँ से प्लस थ्री, वन लिखते नहीं है तो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, स्प्लिटिंग, कॉपी के पेज को एक लाइन के जरिए ब्रेक करें दो हिस्सों में और दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग जीरो के बराबर ले लें, इफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे भी वही होगा एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से माइनस वन को वहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वन, और यहाँ से प्लस थ्री को उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस, आखिर में इन्हें आप कहाँ पुट करेंगे बताइए। अरे भाई जवाब आ गया है, पहली वैल्यू क्या आई थी एक्स की, क्वेश्चन एक्स में था ना, लेट तो किया ही नहीं हमने, लेट कहाँ किया, पहली वैल्यू देखना क्या आई एक्स की, बिलाल सबसे पहले शुरू में आई थी वन, उसके बाद क्या आई, अच्छा देखें फिर वन आएगा तो वन वन एक ही मानी जाएगी और साथ में क्या आई है माइनस थ्री, लेकिन अभी सोल्यूशन चेक नहीं हुआ कि जवाब जो है आपका, देखना जरा बुक में आंसर, बुक में आंसर मैच कर लेना, अगर ये इनमें से एक वैल्यू है वेरीफिकेशन के लिए बहुत टाइम लग जाएगा अगर चेक करेंगे, ठीक है बस है ये आंसर, तो सोल्यूशन सेट किया वन, इसका मतलब है दोनों पे सेटिस्फाई हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन ए में काम पुट करोगे, इक्वेशन ए तो बनी नहीं, नहीं वो तो एक्स में क्वेश्चन था ना तो जवाब भी एक्स में ही आया, समझ रहे हैं बात को, इसमें असल में एक जैसी रकम बननी बनानी पड़ती तो बहुत हो जाता मसला, तो ये इसी तरह सॉल्व होता है।